जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है कुर्सी, जो बाराबंकी जिले में आती है। 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ उस कुर्सी विधानसभा पर प्रचार करने आए थे। तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहां पर प्रचार करने आए थे, यानी रैली करने आए थे बीजेपी प्रत्याशी के लिए, किसानों ने हजारों की तादाद में आवारा पशु जो है उस रैली से पहले जहां पर रैली होनी थी वहां पर इकट्ठा कर दिए, ले जाकर एक साथ जो आवारा पशु वहां इलाके में थे, किसान वहां पर इकट्ठा करके जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली हो रही थी, होने वाली थी, वहां पर इकट्ठा कर दिए। ये दावा किया जा रहा है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे दोस्तों ये तो बात साफ है कि जो आवारा पशु है उससे किसान जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और वो परेशान भी है, क्योंकि जो भी किसान अपनी जमीन पर उगा रहा है आवारा पशु उसे बर्बाद कर रहे हैं और खा रहे हैं, जो भी वो किसान उगा रहे हैं। अब आवारा पशु वो खाएंगे बर्बाद करेंगे तो किसान को क्या बचेगा, ये आप अच्छे से जानते हैं और सरकार को भी मालूम है और योगी आदित्यनाथ को भी मालूम है कि किसान जो हैं जो आवारा पशु से काफी ज्यादा नाराज हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान भी है, पर अभी तक सरकार ने इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है। हजारों लाखों के किसान जो है रातों को जागकर आवारा पशु की देखभाल कर रहे हैं, अपने जमीन में जो उगा हुआ है उसकी देखभाल कर रहे हैं कि आवारा पशु ना घुस जाए, हमारी फसल को खराब ना कर दे। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें दावा ये किया जा रहा है कि 22 फरवरी को बाराबंकी की कुर्सी विधानसभा कर योगी आदित्यनाथ रैली करने आ रहे थे। रैली करने से पहले ही किसानों ने हजारों की तादाद में आवारा पशु को ले जाकर उस मैदान पर लाके इकट्ठा कर दिया। पर आखिर क्या सच्चाई है इस वीडियो की? तो दोस्तों ये सच्चाई निकल कर आ रही है कि ये वीडियो सही है, पर ये मंगल जो 22 फरवरी का वीडियो नहीं है, ये एक दिन पहले का वीडियो है और जहां रैली होनी थी वहां से 500 मीटर की दूरी पर किसानों ने आवारा पशु को इकट्ठा कर एक जगह ला दिया कि योगी आदित्यनाथ को विरोध जताने के लिए। पर दोस्तों वहां का प्रशासन के भी पसीने छूट गए, उन बल्लियां लगाकर डंडे लगाकर जहां पर रैली होनी थी वहां से रोका आवारा पशु को और वहां से भगा दिया। पर किसानों ने यह विरोध काफी तगड़ा जताया है और यह आने वाले जो चरण है उसमें भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी हो सकता है। पर यह जो विरोध किसानों ने जताया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।